देखें, आप जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आप मिल्क यूज़ कर रहे हैं और वो फ्रिज से निकाल कर यूज़ कर रहे हैं, तो उसे 20 से 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। Hey foodies, welcome back to my channel Jay Fusion with me, Jaya. आज मैं आपके साथ चॉकलेट कुकीज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैंने कॉफ़ी बीन का शेप दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि मैं कुकीज़ को बेक कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसमें बेकिंग सोडा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो चलिए फिर जल्दी से हम इस इंटरेस्टिंग रेसिपी को शुरू करते हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल कॉफ़ी बीन्स की तरह। कॉफ़ी बीन कुकी बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैं 1/4 कप पानी ले रही हूँ, और इसमें मैं 1 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो कॉफ़ी है वो अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। अब यहाँ एक दूसरे बोल में मैंने 65 ग्राम बटर लिया है, और इसमें मैं 1/4 कप पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ध्यान रहे आप जो बटर इसमें ऐड कर रहे हैं वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो, क्योंकि अगर ये रूम टेम्परेचर पे होगा तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एक क्रीमी टेक्सचर इसमें फॉर्म होगा अगर ये रूम टेम्परेचर पर होगा। तो इस तरह से देखिए इसे हमें मिलाना है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये एकदम स्मूथ होने लगेंगे। देखिए इस तरह से स्पैचुला से इसे हमें मिक्स करना है। तो ये हमारा बटर और पाउडर शुगर का मिक्सचर रेडी हो गया है। मैंने यहाँ सॉल्टेड बटर यूज़ किया है, अगर आप अनसॉल्टेड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर लीजिए। ये देखिए हमारा क्रीमी बटर रेडी है। अब यहाँ मैं जो हमने पहले इंस्टेंट कॉफ़ी का मिक्सचर बना के रखा था उसे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसे धीरे धीरे मिक्स कर लेना है। ये मिक्सचर यहाँ पर थोड़ा मैसी सा और एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा डो बन के आएगा। तो इसे हमें हल्के हाथों से इस तरह से मैश करते हुए थोड़ा सा मिक्स करना है, बाकी हम जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तभी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बेकिंग करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखें आप जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आप मिल्क यूज़ कर रहे हैं और वो फ्रिज से निकाल कर यूज़ कर रहे हैं, तो उसे 20 से 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए, या फिर कुछ देर तक उसे बाहर ही रखें यूज़ करने से पहले, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ सके। नाउ आई एम गोना ऐड ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इसमें 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ और 1/4 कप कोकोआ पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च ऐड किया है, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद 2 से 3 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस का ऐड किया है। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फर्स्ट बेकिंग टिप मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, राइट? अब यहाँ पर मैं आपसे सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप की बात करने जा रही हूँ। आप जब भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे होते हैं डो बनाने के लिए, तो उसे हमेशा सीव करके ऐड कीजिए, हमेशा उसे छान ले पहले, उसके बाद आप जो भी मिक्सचर में ऐड कर रहे हैं उसमें ऐड कीजिए। इससे क्या होता है, जब हमारा जो डो बनता है, सबसे पहली बात वो बहुत स्मूथ बनता है, सेकेंड लम्स उसमें बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, तो ईजीली आपको बाइंड करने में वो हेल्पफुल होता है। तो ये देखिए जो हमारा डो है वो बनके एकदम से रेडी हो गया है। अब इस डो को मैं 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। जब ये अच्छे से सेट हो जाता है जो हम डो बना रहे हैं, तो इससे आप कोई भी शेप देंगे अपनी कुकी को तो वो इजीली फॉर्म हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर बेकिंग ट्रे रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने बेकिंग ट्रे के बॉटम पर और साइड में अच्छे से बटर लगाया है। उसके बाद मैं बटर पेपर ऐड कर रही हूँ। अब आप चाहें तो बटर पेपर के ऊपर भी एक बार आप बटर अप्लाई कर सकते हैं।
ये देखिए 30 मिनट में जो डो है वो एकदम परफेक्टली सेट हो गया है। अब मैं इससे जो कॉफ़ी बीन का शेप है वो बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन लिया। अब मैं इसको ओवल शेप दे रही हूँ, यहाँ पे हमें राउंड नहीं करना है, इसे लाइट ओवल शेप देना है। इस तरह से दोनों पाम्स के बीच में राउंड करते हुए ओवल शेप देना है हमें। और ओवल शेप जब आपका इसका परफेक्टली आ जाएगा तब मैं एक नाइफ की हेल्प से इसमें बीच में लाइट कट करूँगी। हमें एकदम डीप कट नहीं करना है, जैसा कॉफ़ी बीन का शेप होता है एग्जैक्टली हमें वही शेप देना है इसे। तो ये देखिए अब मेरी जो कुकीज़ है वो बेकिंग के लिए रेडी है। वाओ ये देखिए है ना, एकदम परफेक्ट कॉफ़ी बीन लग रहा है ना कि ये कॉफ़ी बीन्स ही है। तो यहाँ बेक करने के लिए मैंने ओवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रखा है। जैसे ही ये प्री हीट हो जाएगा मैं अपनी कुकीज़ को ओवन में रखूँगी। तो ये ओवन प्री हीट हो चुका है। अब ध्यान से जो मेरा बेकिंग ट्रे है वो मैं इसमें रख रही हूँ और हमें इसे 10 मिनट के लिए बेक करना है 180 डिग्री पे ही। देखिए 10 मिनट बाद एकदम परफेक्ट कुकीज़ बनके तैयार है। माइक्रोवेव ओवन में कुकीज़ बनाने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इजीली कढ़ाई में भी ये कुकीज़ बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टील प्लेट में बटर अप्लाई किया है और इसके ऊपर मैं अपनी कुकीज़ रख रही हूँ। जिस तरह से हम माइक्रोवेव ओवन में बनाते हैं कुकीज़, उसी तरह से बहुत ही सिंपल वे में ये कढ़ाई में बन जाते हैं। इनफैक्ट मैंने जो कुकीज़ कढ़ाई में बनाई थी वो मच बेटर थी जो मैंने माइक्रोवेव में बनाई थी। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तब भी आप ये डिलीशियस कुकीज़ बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में सबसे पहले नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छे से फैला लूँगी। उसके बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक प्लेट की, एक बड़े से प्लेट की हेल्प से, जिससे कि ये पूरी तरह से कवर हो जाए। इसे कवर करने के बाद हमें इसे प्री हीट होने के लिए रखना है। जैसे हमने माइक्रोवेव प्री हीट किया था उसी तरह से यहाँ मैं अपनी कढ़ाई को प्री हीट कर रही हूँ 15 मिनट के बाद। अब यहाँ मैं बॉटम में एक स्टैंड या फिर आपके पास अगर कटोरी है तो आप वो भी रख सकते हैं या फिर कोई प्लेट है तो वो भी रख सकते हैं। इस तरह से वो स्टैंड होना चाहिए जिसके ऊपर आप जो कुकी का प्लेट है वो रख सकें। तो इसे मैंने ध्यान से रखा है और आप भी ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है। कॉफी का शेप आया है इसमें, ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये कॉफी बीन्स है।